बाबा कबीर जी ने जो एग्जाम्पल जो उदाहरण चुनिए एक ऐसे ठिकाने तो जिंदे वक् वक् पक्ष ने पहलू ने पर उस ही एग्जाम्पल विचों केड़ा पहलू अज उदाहरण वजो वर्तिया है। मसलन कुकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच कुकर दी एग्जाम्पल एक नहीं बड़ी थावां ते ते कुकर दे वख वख पहलू वरते गए ने। कुकर तो बाहर कुत्ता उन्दे विच कुछ अवगुण ने कुछ गुण ने। अवगुणा का जिक्र भी बाणी विच है गुणा का जिक्र भी बाणी विच है पर अज जिथे कुकर का जिक्र किया जा रहा है उसको आपां गहराई नाल समझना है। मैं तो बाणी विच लोभ नू भी कुकर आखे गया है, मन नू भी कुकर आख्या गया है, लोभ नू भी बदलवे लफ्जा विच एक स्वान दोए स्वानी नाल पहके कौंके सदा बयार और इत्थे भी स्वान भाव कुकर है। कहिंदे ने इकल्ला नहीं लोभ दे नाल आसा ते कृष्णा दो फीमेल स्वानियां भी ने क्योंकि लोभ इकल्ला नहीं होता। पहला आसा ते तृष्णा का साथ मिलता है तां मनुख दा मन लोभी होता है। आसा छोटी भैन है तृष्णा वड्डी भैन है। वो छोटी सुहाणी है वो वड्डी सुहाणी पहला मनुख दे हिरदे विच एक आसा ही पैदा होंदी ओ बड़ियां होंदियां ने। आसा दा भरिया होया जीवन है। आसा दा दूसरा अर्थ है ख्वाहिश इच्छा। इच्छा बच्चे दे जन्म तो बाद उसनों दिन ब दिन वध दियां जांदियां ने। आसा कदी खत्म नहीं होंदियां वधदियां ने। ते जदों आसा बलवान होंदी है उह तृष्णा बन जांदी है वड्डी होंदी है तृष्णा बन जांदी है। पहला सुभाविक आसा होंदी है इच्छा पैदा होंदी है फिर इच्छा उह जिहड़ी है आसा जिहड़ी इच्छा है उह फिर तृष्णा दा रूप उदों धारण कर लईए जदों अंदर कल्पना पैदा कर दईए कि मेरी आसा पूर्ण क्यों नहीं हुई छेती कर। तो आसा तो तृष्णा दा रूप धारण कर दईए ते जदों आसा तृष्णा बन जांदी है कि मैं अपनी आसा छेती पूरी करां हुण तक क्यों नहीं हुई तो उनके लिए मनुख लोभी बनता है। मन लोभी हो जाता दो नाल वड्डी ते छोटी भैन जुड़दियां फिर मन लोभ लालच विच आ जाता है भी हुण इहो करां
जायज नजायज करा ताकि मेरिया ओ आसा ते तिश्ना प्रसन्न हो। शब्द है एक स्वान दो स्वानी नाल हल्के भंपे सदा पैया ते जदो लोभ बन जाता फिर कूप छुरा उठा मुरदार फिर झूठ का छुरा हाथ में आ जाता क्योंकि किसी चीज प्राप्ति लिए फिर जुर्म का राह अपना होता है। ते जो जालम बन जाता है ना कूड़ छोड़ा मुठा मुरदार नाल ते गुरु नानक कहते हैं फिर उनका बड़ा ही भयानक रूप होता है धार्मिक रूप होता है भयानक रूप होता है। कुकर कुकर भयानक हो गया खतरनाक हो गया जालम हो गया। एक होर शब्द विच उसे कुकर नाल ए लफ्ज वरते ने कहते ने स्वान भयानक कदों होंदा जो हलक जाता है लोग घर च रखते संभालते अजकल तो ज्यादा रिवाज हो गया पर इहदे दो पक्ष ने जिन्नी देर हल्के ना वह मालिक का वफादार भी रहिंदा सब तो ज्यादा वफादारी कुत्ते की मन्नी गई जे हल्के ना कुत्ते वर्गा वफादार कोई नहीं ते जे हल्क जाए तो बेवफा इहदे वर्गा कोई नहीं मालिक नूं भी मूंह पा लैंदा। हम गल उ गुरु नानक पातशाह जी के उस शब्द न मिलनी जुड़वी आ गई कि उस कुत्ते का उस सुहन का हलकना की है वह भी लोभ कू छोड़ा मुठा भयानक कदों है हल्किया होया कुत्ता भयानक है ना खतरनाक है लफज इतने भी लोभ न जोड़ दिता गुरु ने बाणी में आकर दिता कह लगे लोभ लहे सब स्वान हलक है लोभ एक वो चीज है जेड़ा आशा तृष्णा के साथ विच पैदा होता लोभ ते मन है स्वान जो मन आसा तृष्णा मजबूर करके लोभ विच पाउंदियां ने वह भयानक हो जाता है कूड़ छुरा मुठा मुरदार बन जाता है ते ओ हलक जाता है लोभ करके इसलिए फिर वह किसी का वफादार नहीं रहिंदा। मैं एवं नहीं बार बार कह दिता लोभी का विसाओ न कीचै जिस मनुख से लोभ सवार हो जाए उन्हें कभी विश्वास ना करो उन्हें पता नहीं किस वेले घात कर देना जालिम हो गया गुरु ने बाणी भी रखी कहने लगे लोभी का विसाओ ना कीचे गुरु अर्जुन पातशाह जी ने श्लोक संस्कृति में भी एक गल आख दी हे लोभा हे लोभ जदो तू मेरे ते सवार हो जाए ना मित्रता ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਨੱਚ ਮਿੱਤਰ ਨੱਚ ਇਸ਼ਟ ਨੱਚ ਬਾਂਧਵ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਲੋਭ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਈਵਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿੱਛੇ ਲੋਭ ਵੱਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਭ ਇੱਕ ਹਲਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਹਾਣ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ लोभ एक हल्किया होया कुत्ता कहने लगे
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਬੈਠੀ ਹਲਕੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਸਾਥ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਹਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਜਾਏ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਮਿਟਾਈ ਜਾਏ ਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸਭ ਸਵਾਨ ਹਲਕ ਹੈ ਹਲਕੇ ਉਹ ਸਭ ਹੈ ਬੇਗਾਰ ਉਸ ਹਲਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਬਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ ਬਹੁਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਊਨਸਪੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਹਲਕ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਹਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਭ ਵੱਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੜਗ ਤਲਵਾਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੜਗ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਲੋਭ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਖਬਰ ਹੋਈ ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਹਲਕੇ ਨਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਜਾਨਵਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਮਾਲਕ ਭਗਤੀ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਕੂਕਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਜੇ ਭਗਤੀ ਸਿੱਖਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੂਕਰ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਵਾਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ ਸਵਾਣ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦਹਾਰ ਭਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕੋ ਜੀਵ ਦੇ ਬਦਲ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਕੂਕਰ ਜਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਕੂਕਰ ਦੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਪੰਕਾਂ ਅੱਕੇ ਵਜ਼ਨ ਪਸਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਕੂਕਰ ਰਾਮ ਕੋ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਭ ਦਾ
कोई हलकार नहीं, मैं कुछ मंगता ही नहीं, मैं ते अपना आप खुला। पिछले दिनों अपने सामने ये जो शब्द आ चुके बाबा कबीर जी के, कहते ने मैं ओ कुकर हाँ जिन्हों जीवन की कोई लोड़ नहीं, सिर्फ मालिक की उपासना। एक लफ्ज अर्ज करा, इनका मतलब कुछ चीज़ शब्दावली सानू क्लीयर हो जाए ने कि पुराने समय अंदर बड़ा प्रचलित नाम कुकर का मोती होता। आम करके लोग कुकर का नाम मोती रखते स, इसका मतलब ये ना कोई अजकल तो बड़े ना रखने लग पे बखरे बखरे, पर बाबा कबीर जी के श्लोक तो पता लगता है भी वह पुरातन नाम ज मोती लफज जोड़ा है कुत्ते का ना ही बड़ा पुरातन है, क्योंकि बाबा कबीर ने भी वरते हैं तो कहना है वफादारी इसे गल में चाहे कि गले हमारे जेवरी। मालिक अपना पटा मेरे गल में पाई रखे। मैं एक बार अर्ज की जिन्हों का मालिक कोई नहीं होंगे उन्होंने गल में पटा कोई नहीं होंगे। देश में तो उधर निशान नहीं हो, ऐसे पे मालिक तो बिना कुकर बाहर ही नहीं रहते, इसलिए उदों ही वो पटा पाते जो बाहर। पर उठे ये गल नहीं, गली में भी निकल जाए तो उनके गल में पटा ना हो तो समझिया जाता भी इनका कोई मालिक नहीं। कुकर जड़ा है खतरनाक भी हो सकता है, कुकर है खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए वो जिंदे गल पटा ना हो मारन दिया गोलियां म्युनिसिपैलिटी वाले पास हिंदुस्तान के कानून मुताबिक जिंदे गल पटा ना हो मारन दिया गोलियां जो कुत्ते मारते हैं क्योंकि उत्थे जानवर बड़ा अणगिणत है तो आजाद ज्यादा है जिन्हों का मालिक कोई नहीं, गलियां बाजार भरे पैसे म्युनिसिपैलिटी कई बार मारन ले गोलियां पाउंदी है। पर उन्होंने एक हदायत होंगी है भी देखियो कि जिंदे गल च पटा हो गोली ना पा दियो। जिंदे गल च पटा है उन्होंने गोली ना पा, क्यों? मालिक जवाब दर्ज भी करेगा, किसी अदालत में भी जा सकता, कोई केस भी दायर कर सकता, राखवां कुत्ता। इसलिए राखवें कुत्ते की निशानी है वो उनका कोई मालिक है, कोई खसम नहीं। बाबा कबीर कह रहे हैं मालिक मेरे गले में पटा जरूर पा, मेरे गले में पटा। मैनू कोई ये ना आखे कबीर ने खसम है इनका मालिक कोई ते पटा पाउन का मतलब है मालिक दे हुक्म विच रहने वाला मालिक वाला फिर उस पटे नाल डोरी बन के जिधर मर्जी मालिक ले जाए जिथे मर्जी बिठा दे उहदे हुक्म विच हो जाता है। कहन लगे मेरे गल विच अपने नाम का पटा पा दे। पर वफादारी जे खिंचे ते जाऊं हुक्म विच रहना ये मन की निशानी नहीं, ये अंदर दी है, वो बाहर दी नहीं। तां
मालिक का हुक्म ना मनन वाला हो ही हो हुक्म ना मनन वाला होवे डोरी पाई होवे क्योंकि जो हुक्म बनना उनकी रजा विच रहना है ये वो कुकर का काम नहीं उनके अंदर दे मन का काम है उनका फैसला मन का की फैसला उनकी ट्रेनिंग की कह लगे मेरा मन ये गल की चाहत रखता है कि मेरे गल विच तेरी होवे डोरी ते जिथे तू चाहे उथे खलोवा जिवें गुरबाणी विच आया है ना जे सुख दे ना तुझे आराधी जे सुख दे ना तुझे आराधी दुख भी तुझे दे आई जे भुख दे ता इतनी राजा दुख विच सुख मनाई जे सुख दे तुझे आराधी दुख भी तुझे दे आई जे भुख दे ता इतनी राजा दुख विच सुख मनाई कह लगे बस तेरे हुक्म दा पटा मेरे गले विच होवे ते मेरा मन ये कहता है मन का फैसला है वो डोरी तेरे हाथ में होवे फिर जिधे पासे तेरा दिल चाहे जिधर तू ले जाना चाहे जिथे तू बिठाना चाहे वो ही मेरे जीवन का सिस्टम बन जाए कहने लगी गले हमारे जेवरी जे खींचे ते जाओ आ जाओ अगले श्लोक ते थोड़े जे बदलवे रूप विच सिद्धांत ओ ही पालिया जा रहा है कहन लगे गले दा पटा ता इन्ना ही साबित करदा ना मालिक वाला पर मन ने यह फैसला करना है मालिक की वफादारी विच किवे रहना जै खींचे ते जाओ इस तरह कह लगे भगती की दुनिया अंदर भी कुछ चीजा पटे वांगू दिखावा रह गई ने कुछ चीजा जीवन का हिस्सा बन गई ने वह भी एक एग्जाम्पल देंगे ते कहते जपनी काठ की क्या दिखलावे लो कोई पटा गल विच पाई फिरे मालिक दा हुक्म ना मन्ने कि जदों कुत्ता घर दा राखवा हलक जाए ताकि उहदे गल च पटा नहीं हुंदा पता ते हुंदा पर बिरती बदल जांदी हुण पटा ते बिरती दा फर्क पै गया ना घर वाला कुत्ता हल्क जाए राखवा कुत्ता हल्क जाए मैं गल की बाहर का दुखी तो घर का दुखी तो मैं अर्ज की चंदू बाहर का दुखी सी गंगू घर का दुखी सी घर के अंदरों भी तो ऐसे पैदा हो सकते हैं जेडे लोभ वास आखिर गंगू ने लोभ वास ही सारा काम किया ना असि हिस्ट्री जो पढ़ते ना कि माता नूं ते साहिबजादियां नूं लै के जदों रात दे अंधेरे विच जा रहा सी ते उंदे पिंड माता ठहरी है अपने पोतरियां समेत जदों घोड़ी तों लाह के खुरजी रखियां वेखिया भी दौलत है बस लोग लै सब सुहाण हाल कर ऐसी रखवा साढ़े सामने पई है गंगू रखवा कुकर से ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਖਵਾ ਦੇਣਾ ਘਰ
घर की रसोई उन्हें सौंपी जाती है जिन्हें ते बहुत विश्वास हो गया। गंगू ते विश्वास सी है ना कि घर की रसोई उन्हें सौंपी हुई सी। पर जो लोभ लहर आई सब सवाल हल कर उस लोभ ने गंगू नू हलका दिता कि वो पटा उदो पटा रह गया। एहो गल गुरु ने बाणी विच अगले श्लोक विच बाबा कबीर जी ने कहन लगे कुछ गल्लां ऐसियां होंदियां ने जिहड़ियां केवल दिखावा ही रह जांदियां ने, असलियत उहनां दे नाल सच्चाई उहनां दे नाल मेल नहीं खाती। कहन लगे किसी ने चिट्टे चोले हाथ विच माला फड़ी होवे केवल दिखाण लई भी ए लोग समझन भी ए भी रब दा कुकर रब दा प्यारा हाथ विच माला जिसे एहो ही जिवें गल विच किसी दे पट्टा होवे ते आखे ए भी कि खसम पाया इहदे गल विच पट्टा भी पाया। दिखा मेरी देखने वाली चीज जड़ी है उन्हों सच्चाई ना समझ पिछे मन अंदर जो ख्याल है हृदय विच जो कुछ है असल कारण वो है। श्री गुरु ने शब्द बाणी अंदर आके कहने लगे कबीर जपनी काठ की क्या दिखलावै लो हर हर माला विच भी दो अखर लगते हैं मम्मा ते लल्ला दो अखर लगते हैं ते हार विच भी दो अखर लगते हैं हा हा ते रा रा ते जे दो अखर नाल माला बनती है ते दो अखर नाल हार बनता है माला क्यों चुकी फिरना है हार नाल संबंध जोड़ ला। बाबा कबीर कहते सतगुरु बाणी विच कहते हर हर अखर ए दोए माला कबीर मेरी सिमरनी रसना उपरा कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम हर हर अखर ए दोए माला जपत जपत भय दीन दयाला। आगे जाके एक लफ्ज कहते हैं ओ जड़ी मम्मा लल्ला वाली जपनी माला दिखावे दी है ना मणके दी है ना ओ हृदय विच नहीं जाती माला के अंदर थोड़ा चला जाएगी। कह लगे जे हरी नू माला बना ला वो अंदर चला जाएगा वो रहिंदा ही अंदर है। कह लगे हर हर अखर ए दोए माला जपत जपत भय दीन दयाला हर माला अंतर उर धारे जेड़ा मनुख हरी माला नू पाव रब दे नाम नू अंदर लै जाए उन्हूं माला दी की लोड़ है ए मनकियां दी माला दी की लोड़ है। गुरु ने तो ये बाबा कबीर जी ने एक थां ते लफ्ज़ कह दिते माथे तिलके मत्थे ते तिलक लाया होवे हाथ विच माला पड़ी होवे एक साधा माला भेख बनाया होवे
ਭੇਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਕਰ। ਉਸ ਨਾ ਮਾਲਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਤਿਲਕ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ। ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਹਿਣਾ, ਮੁੱਖ ਝੂਠ ਬਿਮੁੱਖ ਸਾਰ, ਪ੍ਰਹਿਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰ, ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਿਲਾਟ, ਗੁਰ ਧੋਤੀ ਵਸਤਰ ਕਪਾਟ, ਜੈ ਜਾਨਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮ ਸਭ ਫੋਕਟ। ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਚਿੰਨ ਹੈ। ਸੋਚਿਓ ਜਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਕ ਮਾਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਾਹਰਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਭਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਦਿਸਦੀ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਣਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪਟਾ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕੇਵਲ ਪਟਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਰੇ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਦਾ ਜੇ ਖਿੱਚੇ ਤੇ ਜਾਓ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਟੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ, ਪਟੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਖਿੱਚੇ ਤੇ ਜਾਓ। ਪਟਾ ਪਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਪਟੇ ਨਾਲ ਡੋਰੀ ਬੰਨ ਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਪਟੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਪਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਪਣੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ। ਜਪਣੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਦਿਖਲਾ ਮੈਂ ਲੋਏ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੱਬ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਰੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਲਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਮਾਲਾ ਅੰਤਰ ਉਰਧਾਰ ਹੈ, ਹਰੀ ਮਾਲਾ ਹਰ ਹਰ ਅੱਖਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਲਾ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਹਰੀ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹਰੀ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਬੀਰ ਜਪਣੀ ਲੱਕੜ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਮਣਕੇ ਜਾਂ ਰੁਦਰਾਖ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਲੱਕੜ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜਪਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਨਾ ਚੇਤਰੀ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਅੰਦਰ ਫਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।
जपनी दस ए माला हाथ विच होवे इहदा की फायदा एह जपनी क्या अंदर चली जाए गल का पटा जेवरी जे जय खिंचे ते जाऊं वाला हुकुम मनन दा प्रभु दे मालिक दे हुकुम विच रहन दा सुभा बन जाए गले हमारे जेवरी गले हथ विच फड़ी हुई माला नहीं हर हर अखर ए दो माला उहदा फायदा है जे वह माला हिरदे विच चली जाए दिखावा ना गल दा पटा रहे दिखावा ना हथ दी माला रहे उहदे विच भी एक सुभा है इहदे विच एक सुभा है जो जीवन विच धारण करना है इन्हां शब्दां नाल खिमादा जा चुका ਅਤੇ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।